मुझे सूझ रहा है छाज। ये जब पापा ने एकदम स्लाइटली ताना दिया ना एकदम, मम्मी की खैर है नहीं आई, फिर मम्मी के पास है नहीं। श्रीदेवी फेल है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड भाई मैं अभी सो के उठी थी, मतलब मैं जैसे ही सो के उठी ना, मैंने तुरंत आँख खोली और मैं बाहर आ गई, क्योंकि मैं थोड़ी देर भी और आँख बंद कर दी ना तो मैं वापस सो जाती। एंड फिलहाल अभी 7 बज रहे सुबह के, एंड मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि 7 बजे इतनी ज़्यादा धूप कैसे हो सकती है। एनी वेज मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, फिर मुझे जाना है पहले मंदिर, फिर मैं मंदिर से सीधे जाऊँगी जिम। तो लेट्स गो गाइस। हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है जो आज पापा ने बनाया है। गाइस हाय तो कर दो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत नींद में अभी भी उठा हूं, 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड मेरे हाथ में चाय आ गई। ये जब पापा ने एकदम स्लाइटली ताना दिया ना एकदम, तो इन्होंने बोला लो ब्रेड खाओ, ब्रेड खाओ, ये खाओ, क्या क्या खाया इंसान। सो गाइज मैंने ब्रेकफास्ट करके नहा धो लिया है, एंड अभी फिलहाल आई एम क्लीनिंग माई लैपटॉप, बिकॉज आज विश्वकर्मा डे है। मम्मा ने बोला था कि आज अपने सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और जो भी तुम्हारे जिस भी चीज़ से काम तुम कर रहे हो उसे साफ सफाई करके उनकी पूजा होती है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम क्या होता है, क्या होता है पापा आपको पता है क्या होता है? विश्वकर्मा डे क्यों मनाया जाता है? विश्वकर्मा डे मतलब इतना तो मुझे पता है कि वो अपने सामान की क्लीनलीनेस होती है और उनकी पूजा होती है, बट व्हाई एग्जैक्टली विश्वकर्मा डे क्यों मनाया जाता है? विश्वकर्मा डे, विश्वकर्मा जी जो थे ना वो मेरे ख्याल से वास्तुकार थे, ब्रह्मांड के और यूनिवर्स के सबसे पहले वास्तुकार थे। वास्तुकार क्या होता है? अरे वास्तुकार मतलब ये कौन चित्रकार है ब्रह्मांड की जिसने जिन्होंने निर्माण किया वो विश्वकर्मा जी थे एज पर माई नॉलेज। और इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जैसे उन्होंने चीजों का आविष्कार किया या हम कोई चीजें हम किस तरीके से बनाते हैं उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए उनकी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमारा उससे रोजी रोटी चल रही होती है। इसीलिए जितने भी ये मिस्त्री होते हैं, जितने भी सिलाई वाले होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो लोग जिनके मशीनरी का वर्क होता है वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लोग बाग तो पिस्तौल विस्तौल की पूजा करते हैं इन दिनों। तभी मम्मी ने बोला कि अपना लैपटॉप, फोन, जो भी रिंग लाइट्स वगैरह हैं, चार्जर वगैरह, उन सबको क्लीन करके उनकी थोड़ी पूजा वगैरह करो तो अच्छी चीज है वो। तो फिलहाल मैं वही कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर तुम लोग भी विश्वकर्मा डे पे ये सब चीजें करते हो तो, और अगर नहीं करते तो भी बता देना कि तुम्हारे यहाँ मनाई जाती कि नहीं मनाया जाता। मैंने अपना सामान सारा साफ वगैरह कर दिया है, सब कुछ क्लीन कर दिया है, एंड अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने सोचा मैं अकेले जा रही हूँ तो मम्मी पापा को भी बोलूँ चले मंदिर मेरे साथ। तो अब हम मंदिर जा रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो गए आज मंदिर जाने के, रोज लेट होते हैं, हम 11 बजे मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा लेट है। सुबह कम से कम 8-9 बजे तक तो मंदिर का काम करके हमें आ जाना चाहिए। 6 बजे 6 बजे 6 बजे तो बहुत अर्ली नहीं है, बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा भाई। 6 बजे तो भाई आँख खुल जाए भाई, बहुत बड़ी बात है, पर उठना चाहिए यार। मेरा प्लान तो है 5 बजे उठने का, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मतलब रोज ऐसा लगता है कि क्या है भाई 5 बजे क्यों नहीं उठ पाती मैं। डेडिकेशन चाहिए ये बात तो है। ऐसा नहीं कि मैं 5 बजे उठती नहीं हूँ, मेरा अलार्म 5 बजे का है, लेकिन वो ये पता ना कि एक बार उठ जाऊँ बस, एक बार ऐसे आँख खोलूँ वो नहीं हो पाता यार, पता नहीं क्यों। ये चिंगम तुमने लगाई है? कैसे होगा। हम मंदिर से आ गए हैं, एंड पापा ने गाड़ी सर्विस के लिए भी दे दी है। पापा आप तो बड़े फास्ट हो, पापा ने हमें थोड़ा पीछे छोड़ दिया था, फिर हम जितनी देर में हमने पूजा की उतनी देर में पापा ने गाड़ी सर्विस पे दे के पापा भी मंदिर आ गए थे। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। कहाँ है हमारी गाड़ी? मेरी गाड़ी कहाँ है? ये कहाँ चढ़ा दी? फर्स्ट फ्लोर पे? अभी तो कुछ साफ भी नहीं हुई है यार, ऐसी रखी है। तो बाकी गाड़ियों का काम चल रहा है। क्यों ही आए हम? कुछ तो हो नहीं रहा, अभी क्या करवाना है हमें? वॉश करवानी है बस। वैक्यूम होगी? अंदर से वैक्यूम हो गया। हाँ। बड़ी जल्दी हुआ, अंदर से क्लीन हो गई है, बाहर से इट्स वेरी डर्टी। ये देख, यू मैन, जब हम गाँव गए थे पास कर रही है। बोलो ना, जब से हम गाँव, जब से गाँव गए तब से गाड़ी वॉश नहीं हुई थी। अब होगी वॉश तो यार, अम्मी पापा वॉश तो मैं भी करती हूं। और ये बच्चे कोई नहीं करते, सिर्फ बात करती है, कभी बोलेगी बर्तन धो दूंगी, कभी बोलते पोछा लगा दूंगी। बर्तन नहीं धोया मैंने, कुछ भी नहीं करती, बहुत कम करती है, आधे से ज्यादा छोड़ देती है। कितने झूठे हैं ये लोग, एक नंबर झूठे हैं, कुछ नहीं।
आधा अधूरा काम कर, इतने बर्तन माज माज के मेरे हाथ छिल गए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं मैं बर्तन नहीं माजे, मतलब गाड़ी वॉश करने की बात कर रहे हैं। मेरे को गाड़ी वॉश हो गई हमारी गाइस, जितनी देर में हमारी गाड़ी धुल रही है, हमने सोचा कि मैं और मम्मी जाके अपनी आईब्रोज बनवा, यहाँ हमें पता नहीं है वैसे जगह, हम निठारी में ही जाएंगे कहीं तो, बट मैंने बहुत टाइम से बनवाई नहीं थी तो मुझे बनवानी थी, और मम्मी की खैर है नहीं आईब्रो, है नहीं आईब्रो, मम्मी के पास है नहीं, वो पे तो है, हम पे तो है ना, मुझे भी कलर लगाना पड़ता है, क्या करें, बट मैंने करवाई नहीं, अगर तुम लोग को दिख रही हो तो अभी हम जा रहे हैं आईब्रोज बनवाने, कर लो आप। पापा मेरे और मम्मी के मुंह पे कुछ चेंज लग रहा है आपको? मेरे मुंह पे लग रहा है? आप ना क्यों देखते रहते हो पूरे टाइम? मैं आईब्रो बनवा के आया हूं, मेरे मम्मी को देखो, मम्मी को देखो, ओए होए बाय गॉड, देख श्रीदेवी फेल है, अब बेचारी मर गई, मम्मी पे छाप छोड़ दे, देख मम्मी श्रीदेवी से सुंदर लग रही है। पापा कितनी कॉमेडी कर दे, कभी सीरियसली बता ही नहीं सकते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बाय, उनका एग्जाम है आज, तुम्हारा एग्जाम है ना, जा ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से देना है। चलो गाइस, अब हम फाइनली घर जा रहे हैं, डेढ़ दो घंटे से हम यहीं बाहर डोल रहे हैं, और अब मुझे लग रही है भूख, ठीक है, पापा आपकी बोटी ने बोल दिया है मेरे बस की नहीं है खाना बनाना, अगर गेट खोलो तो वो रहा सामने हमारा घर, यार मम्मा क्या बात कर रही, अरे और क्या, यही है यार, अच्छा यही है, और क्या, कंफ्यूजन सी हो गई, ये लड़का चिल्लाता है, बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी बड़ा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, मैं फोन उठा के रिकॉर्ड करने लग जाऊं, तो तू कर ले भाई, बड़े लोगों को चिल्लाहट हो जाती है मेरे को देख के। एनीवेज, कहाँ है हमारा घर, दिख ही नहीं रहा, अरे यहाँ थोड़ी दिखो, अंदर लाइन में यार, तो मम्मा क्यों मैं हमारा ये टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ खिला, फ्रंट से ज्यादा सही लगेगा, गाइस हमारी गाड़ी तो एकदम मस्त चमका दी, शाइन भी आ गई इसमें है पापा, मस्त लग रही है, वी आर फाइनली होम, एंड भाई एकदम ऐसे भीनी भीनी धूप में हल्की हल्की हवा चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, इसे नींद का माहौल बन रहा है, चिड़िया और गिलहरी देख कैसे बोल रही है यहाँ पे, मेला गिल्लू दो तू, सुनना मेला गिल्लू दो तू, लेकिन हमने रास्ते से छोले कुलचे भी उठा लिए हैं, पापा तो वहीं पेल के आ गए हैं, दो पराठे तीन कुलचे, चार टाइम सब्जी ली है, पांच बार चार देख लिया, दो कुलचे तीन पराठे चार बार सब्जी लिए पांच बार अचार, तू बस शांति से ना ये सुकून सुन, छाज नहीं पिया यहाँ को, सुकून सूझ रो है, मोए सूझ रो है, छाज कि मैं कब छाज, हमारे नेबर अंकल भी सेम ऐसी लैंग्वेज में आते हैं, गिलहरी और चिड़िया देख कैसे बोल रही है यहाँ पे, और कहा करेगी गिलहरी, देख क्या मोह देख ले पहले, बहुत तेज बोल रही हूँ, गिलहरी भी तो बहुत तेज बोल रही थी, तो कान में आवाज आ रही है, चल मम्मा पेल दो इनको, अरे सुन ली गिलहरी भाई ठीक है, वाह देखिए क्या उल्टी सी बात करी, कह रही पेल दो पापा को, लेकिन मैं तेरे हाथ जोड़ के मैं तेरे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे हाथ का थैला देख ले, मजबूर आदमी के सड़क पे मत मारियो, घर पे मार लियो, सड़क पे मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ये कॉमेडी, पता है मेरे कॉलेज के जूनियर मुझे क्या कहते हैं, दीदी हम आपके व्लॉग सिर्फ आपके पापा के लिए देखते हैं, कॉमेडी करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, ये बातें इनको प्रोत्साहन देती हैं, फिर ये ऐसी कॉमेडी करते हैं हमारे घर में फालतू की, प्रोत्साहन तो देंगी भाई, जब अच्छे खासे आदमी के हाथ में तुमने सब्जी का थैला बना दिया, देख मेरा क्या ढंग कर दिया है, सब्जी का थैला मेरे संग कर दिया है, क्या हो गया पापा आपको इतनी एनर्जी, हाथ खू के पेट तंग करके आपको तो आ रही होगी एनर्जी, और आपके घर की जो दो लेडीज है लक्ष्मी है उनको आपने भूखा मार रखा है, तेरे को तो काम है ब्लॉग बनाने से अलावा, है जल्दी करके कैमरा खोल दे रही है, हम ये पागल है, बनाई मैंने अपनी मस्त बाइट, मस्त यार, मस्त छोले अच्छे है ना, मस्त भाई, मैं तो खाना खा के मस्त पड़ गई थी, एंड जान तो नहीं है बिल्कुल, बट आई एम गोइंग टू द जिम राइट नाउ, एंड चलते हैं भाई, कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ,
मन नहीं कर रहा, पैर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बट लेट्स हेड टू द जिम गाइस, लेट्स गो बॉयज। क्या मौसम हो रहा है के, नहा धो लिया है एंड इट्स टाइम फॉर डिनर। डिनर आज हम बहुत सिंपल सा खा रहे हैं, रोटी एंड दाल, एंड आई एम गोइंग टू हैव डिनर एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर। इफ यू एंजॉयड इट मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट।